हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ, आई होप अब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है। तो दोस्तों, फाइनली आज दिखाऊंगा मैं चंपा लोहागढ़, क्योंकि आज मैं ड्यूटी में जा रहा हूँ चंपा लोहागढ़ प्लस रीठा साहिब बाई टनकपुर होते हुए। तो दोस्तों, ये मेरा आउटफिट है कुछ इस प्रकार। बाकी मैं नहा धो के एकदम रेडी हो चुका हूँ अपनी ड्यूटी की ओर। कमर कस ली है मैंने ड्यूटी की ओर जाने के लिए। तो दोस्तों, फाइनली अब मैं अपने लिए चाय बना रहा हूँ। चाय की चुस्की पी के हम अपनी ड्यूटी की ओर बढ़ेंगे। तो फाइनली मैंने चाय है रख दी उबालने के लिए, और इसमें अदरक अदरक डाल दिया है। तो मैं चाय की चुस्की का मज़ा ले रहा हूँ। तो दोस्तों, सुबह चाय ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा है आप नींद से उठे होते तो थोड़ी मतलब शरीर एकदम चुस्त फुस्त रहे, उसके लिए चाय ज़रूरी है। तो दोस्तों, फाइनली मैं अपने घर से निकल चुका हूँ ड्यूटी की ओर। हल्के हल्के कदमों से बढ़ रहा हूँ। घना अंधेरा है, कोहरा लगा है चारों ओर। उसके बाद दोस्तों, मेरे कदम बढ़ ही रहे हैं को। तो धीरे धीरे दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ अपने ये हेडल गेट चौराहे पे। देखो इस प्रकार नज़ारा है सुबह के 5:30 बजे। उसके बाद मैं अपने मेरे उस्ताद आ गए गाड़ी लेके, तो मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ अपने। उसके बाद देखे मैंने गाड़ी, जो उस्ताद हमारे गाड़ी की साफ सफाई कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम क्लीन कर रहे हैं। आगे शीशे से मैं पानी वानी मारे और उन्हें क्लीन कर रहे हैं। तो मैं भी उनके पास ले गया और मैं भी उनकी थोड़ी हेल्प करने लग गया। हेल्प क्या कर रहा हूँ, तो मतलब थोड़ी बहुत उनकी देख रहा हूँ कि यार कुछ गंदा तो नहीं है। तो मैं भी उस्ताद की हेल्प में थोड़ा बहुत लग चुका हूँ। तो दोस्तों, फाइनली हम निकल चुके हैं हल्द्वानी से। ये पहुँच चुके हैं हम सितारगंज। जो ये बस जाती है ये टनकपुर होके चलती है भाई टनकपुर, और हल्द्वानी, चोर गलिया, सितारगंज, बनबसा, खटीमा, टनकपुर, चंपावत, लोहागढ़ प्लस रीठा साहिब। तो दोस्तों, फाइनली हम ये पहुँच चुके हैं अपने खटीमा के मार्ग, और ये है अपना लोहाघाट का बस स्टैंड। तो फाइनली ये अपनी धनो खड़ी है, और यहाँ का नज़ारा इस प्रकार है। यहाँ पे एकदम मौसम अंधेरा है। तो दोस्तों,